सब लोग तैयार हो चुके हैं, लेट करने वाले ये लोग सब पहले आ गए हैं, पाँच मिनट लेट। और ये सबसे ज्यादा लेट करने वाले एक घंटा से बाथरूम में थे, सब लोग एकदम ऑन टाइम है, हम ही थोड़ा सा लेट हो गए हैं। और देखिए गाड़ी में सामान वन भरा गया है, हमको लगता है इसमें इसको अंदर कर देने से गोविंद आ गए हैं टाइमली, ये बहुत टाइम पे आ जाते हैं। और आप हमेशा की तरह लेट रहते हैं। अरे कितना फोन आया है, खाना बना दिया उसके बाद आपका ये ना फोन कितना आया, देखो तू फोन कौन सी आएगा मुरी। गुरुजी बैग तैयार, हेलो गाय बाछी, इधर सब लोग तैयार, इधर पूरा सामान भर गया, एकदम दही बट्टू गैस पैक है पूरा एकदम, या हिलते ना सब सामान में दूटा सिलेंडर। शुभम गाड़ी निकाल रहा है, अरे हटो तू। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके चैनल हमारे चैनल देवरियान फैमिली में। शुरुआत करते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, हराम माले। अभी हम लोग सब निकल चुके हैं तारापीठ के लिए, और देवघर से तारापीठ जो है लगभग 130-140 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ से लगने वाले हैं ढाई से तीन साढ़े तीन घंटा। तारापीठ जैसे कि पता है, सब लोग जानते हैं कि एक शक्तिपीठ है, और वहाँ पे हम लोग दो दिन रहने वाले हैं। हम लोग जो है नौ लोग, हम लोग 10 लोग हम लोग निकल चुके हैं तारापीठ के लिए। मैं दो गाड़ी हम दिखा दिए थे वहाँ पे, एक गाड़ी आगे है एक गाड़ी में हम लोग सब है। हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ से लगभग 5:30 बज जाएगा, रास्ते में जगह रुकेंगे चाय पियेंगे। एक गाड़ी देखिए इधर जा रहा है पीछे, रास्ते में जगह रुकना है पत्ता बाड़ी में, वहाँ दिखाएंगे आपको चाय और समोसा बहुत शानदार। वहाँ पे घुगनी मुड़ी ये सब तेलाही इसको कहते हैं। एक नाइट जो है सब लोग निकले हैं अपना अपना बीवी को छोड़ के, एक तो खाली कुमारा है एक कुमारा है, और बाकी सब जो है आज हम लोग फ्रीडम वाली लाइफ जो है वन नाइट स्टे करने वाले हैं तारापीठ में। धमाल अपना देवघर का धरोहर त्रिकुट पहाड़, यहाँ से बासुकीनाथ 31:53 इसी पे घटना हो गया था एक बार, त्रिकुट रोपवे एक्सीडेंट इसी में हुआ था, जो आज तक लोगों को याद है। और आज तक को लगता नहीं है कि आज तक रोपवे शुरू भी नहीं हो पाया। हम लोग पहुंच गए हैं घोरमारा, और ये प्रसिद्ध आप देखते होंगे, देखिए इधर से पूरा बाप रे बाप, इधर इधर पूरा लाले लाले के कलर है, पूरा शिव पार्वती बेड़ा, शिव पार्वती बेड़ा, संतोष पेड़ा, यशवंत, देखिए चारों तरफ पेड़ा का ये दुकान मिलेगा, यहाँ पेड़ा के लिए फेमस है। तो जब भी आइए देवघर, तो इधर आप जब बासुकीनाथ जाते हैं पूजा करने के लिए, तो रास्ते में मिलेगा, मिड पॉइंट में है बासुकीनाथ और देवघर का घोरमारा का प्रसिद्ध सुखाड़ी पेड़ा भंडार। हाँ सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार जो है यहाँ पे फेमस है, पुराना पेड़ा वाला है, बहुत सारे उसके भी ब्रांच हो गए हैं। देवघर का जो स्टाइल होता है पेड़ा का वो अलग होता है, यहाँ ज्यादा जरा भूंज के रेड करता है, वहाँ पे थोड़ा कम भूंजता है, ये फर्क है। ये जो है पहाड़ है इसमें पूरा काजू का खेती होता है, वाह ये अरे वाह पूरा काजू होता है जी होता है। ये हम लोग पहुंच गए बासुकीनाथ, जय हो हर हर महादेव, नंदी चौक, जय हो जय हो जय हो। तो यहाँ पहुंचने में हमको लग गया एक घंटा, देवघर से बासुकीनाथ आने में एक घंटा समय लगा पूरा पूरी, और हम लोग पहुंच गए। अभी जो है तारापीठ है 99 किलोमीटर, 100 मार के चलिए, बोर्ड में लगा हुआ था 99। नहीं प्रोजेक्ट का जब ये कैशियर है तो खर्चा यही ना करेगा, अब कैशियर बोलता हमको को देवेन किया तो कैशियर क्या हुआ, कल जो वही 2,500 मिला था वही है क्या, 7,500 जमा है 7,500 पैसे देगा बोलता है चुमनी डाक्टर से, जय माँ दही दही दही।
दही कादो होते दही कादो खेलेंगे हम लोग जन्माष्टमी के दिन होता है बाबा मंदिर में दही कादो तो बाबा चढ़ाया जाता पूरा भर दिया जाता दही से। गाड़ी एकदम पीछे था उसको झूठे बोल दिया हम दुमका पहुंच गए इतना स्पीड उन लोग लेके आ गया है कि अब हम लोग से साला आगे भाग गया और हम लोग को देखबो नहीं किया हुआ कन्फर्म है तो हल्का सा रोकता है शीशा उतारता और ये हम पहुंच गए झारखंड की उपराजधानी दुमका पहुंच गए हैं हम लोग और मलूटी रामपुर हाट 65 लगभग 70 किलोमीटर है 70-75 भाई अब हम लोग जो है पक्का पक्की यहाँ लग गया हम लोग को 1.5 घंटा पहुँचने में दुमका जो कि देवघर से दुमका 60 किलोमीटर लगभग और दूसरा गाड़ी जो है वो ऑलरेडी आगे निकल गया पीछे तक आगे निकल गया है हम लोग को पथ बोले हैं पत्ता बाड़ी में रुकने के लिए वहीं चाय नाश्ता करेंगे। देखिए नज़ारा दुमका का चंपारण मीट हाउस है बाबा। हम लोग कहावत में कहते हैं मन का तो चल दुमका। गुरु जी है अभी सो के उठे हैं नींद मार के फोन आ गया है तो उधर फोनिया आ रहे हैं दो विवाहित के बाद बीच अविवाहित एक बीच में सबसे निकल गए सबसे निकल गए हाँ आगे जो बहुत बुजुर्ग में आते हैं वो लोग आगे रिटायरमेंट वाले सब और अभी देवघर में आया था अभी अपना यूट्यूबर जो है अमित भड़ाना और वो अभी बासुकीनाथ पूजा करने गए हैं भाई अब यूट्यूबर लोग भी आने लगे हैं देवघर धमाल देवघर में मच रहा है तो आइए बाबा धाम आप भी जहाँ भी हैं पूजा करने के लिए फर्स्ट क्लास पर गए सुबह सुबह देवघर से पूजा करके अभी बासुकीनाथ गए हैं एकदम थार से आए भाई ये हम लोग आ गए पत्ता बाड़ी ये तारा पीठ यहाँ पे दिख रहा है 67 किलोमीटर और अब यहीं पे बाया साइड में ही बहुत शानदार यहाँ पे मिलता है ठीक हम मामा जी की एक नंबर तेलाही फेवरेट बोलूँ कहाँ रुका है जी और दूसरा गाड़ी भी आ गया तो आप लोग हम लोग से आगे निकले जी ना इधर तो फर्स्ट क्लास रोड था उससे आगे निकले लोग बाईपास रोड आने के चक्कर में ही लेट हो गया तो चलिए भाई हम लोग जो है यहाँ पे अभी पहले नाश्ता वास्ता कर ले सब लोग लग गए हैं पकोड़ा और मुड़ी मुड़ी है प्याज है हरा मिर्च है गर्दा गर्दा इधर गरम गरम पकौड़ी छका रहा है ले लिए नाश्ता एक हमको भी दे दो नाश्ता करना है यस नाश्ता नाश्ता हम भी ले लेते हैं इधर रसगुल्ला है चाय एक नंबर चाय बनता है यहाँ पे घुगनी प्याज और ये गया सेव ये आ गया भाई एक नंबर नाश्ता फिर यहाँ से नाश्ता करके हम लोग बढ़ेंगे तारा पेट शाबाश एक प्लेट घुगनी पकोड़ा नाश्ता कर रहा है बचा हुआ आइटम का ओए ये देखिए ये रोड जाता है सीधे मसांजोर डैम इधर से भी तारापीठ जा सकते हैं इधर से भी जा सकते हैं इधर से मतलब कि 15-20 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है इधर कम पड़ता है पहले रोड इधर ख़राब होता था अब सही हो गया है तो अब लोग इधर से ही जाते हैं जैसे कि मसांजोर डैम घूमना है तो इधर से जाइए मुढ़ी के बाद अब टूट पड़े हैं इसमें मुढ़ी घुगनी और पकौड़ी एक नंबर नमक हल्का छीट दीजिए काला काला नमक सुपर आ गया चाय मिट्टी के भाड़ में लाजवाब फर्स्ट क्लास शाबाश एक नंबर एक नंबर वाह एक नंबर सबसे मस्त छन की चीनी बहुत कम छन बड़ा लाजवाब चीयर्स ऊपर और से भी ऊपर चाय लाजवाब यहाँ आइए तो चाय और घुगनी और ये मुड़ी उड़ी जरूर खाइए बहुत ही लाजवाब बहुत वो हाथ से चाय पी रहा है लेकिन संतोष नहीं है जे अलग लाइए लोग
मस्त एकदम हरियाली के बीच पहाड़ वहाड़ पार कर रहे हैं और ऊपर का एकदम पूरा पैरानोमिक जो है एकदम व्यू लाजवाब जंगलों के बीच में, इसलिए ऊपर खोल दिए, आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। यार आगे जो चल रहा है अपना, एक गाड़ी आगे चल रहा है, इसी में उसमें सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सीनियर सिटीजन गाड़ी है और हम लोग सब युवा जोश अखंड भारत बनाने के लिए बढ़ रहे हैं। और हम लोग सब रुके हैं अभी यहाँ पे पठा लेने के लिए, फर्स्ट क्लास है वो, मानसिक है, मानसिक ये वाला मानसिक बोले तो अपना गश्ती है पहले से। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये मानसिक है मतलब कि रुका हुआ है, पाठा इतना सारा है। ओटा कोटो तो देवे, ओटा 5,000 तो किलो मांस बेरोबे, मांस 5,000 5,000 है इसका। यहाँ पे हम लोग को पाठा नहीं मिला, बहुत महंगा बेच रहा था। अब सुबह आएंगे हम लोग, फिर पाठा लेकर के जाएंगे हेमतपुर में। हेमतपुर एदिके अच्छे एक ग्राम, ग्रामे अच्छे हेमतपुर। लोग पहुंच गए हैं अभी तारापीठ, और देखिए इतना खाली होटल है, यहाँ पे घर कम होटल ज्यादा।